हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जा रहे हैं डॉक्टर के पास में, जैसा कि मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था। अगर आपने पिछला ब्लॉग नहीं देखा है तो चेक कर लीजिएगा। तो अभी बज रहे हैं 4 और 6 बजे की हमारी अपॉइंटमेंट थी एक्चुअली, लेकिन फोन आया क्लिनिक से कि डॉक्टर को कहीं जाना है, तो अगर आप जल्दी आ सकते हैं तो आ जाइए। तो हमने कहा ठीक है जी, आ जाते हैं। तो 4 बजे निकलेंगे तो होपफुली 4:45 तक तो पहुंच जाएंगे, ट्रैफिक नहीं है। तो फिर डॉक्टर दिखाते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह जो कल करवाया था ना, ब्लड टेस्ट वगैरह, वो सारा रिपोर्ट्स आ गया है। तो वो और स्कैन दिखाना है और आगे देखना है कि वो क्या सजेस्ट करती हैं, क्या सब बोलती हैं। चलिए कल का मौसम कितना अलग था, बारिश हो रही थी और न्यूज में है कि साइक्लोन आ रहा है, तो बारिश होगी अभी, पर आज एकदम खिला हुआ मौसम है, पूरा एकदम धूप है हर तरफ। कि 4 बजे भी देखिए सनग्लासेस पहन के जाना पड़ रहा है। तो अंगद किया है प्रिंट आउट लाने के लिए, एक्चुअली जो भी सारे जो ये ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह आए थे ना, तो मेल पे आया था, तो उसका एक प्रिंट आउट ले लेंगे तो बेटर होगा। तो वो लेगा, उसके बाद जाएंगे। वैसे ये हॉस्पिटल में भी शायद मिल जाता अगर हम लोग उनसे मांगते, पर फिर हर चीज के लिए क्यू में लगिए, वेट करिए, और डॉक्टर वैसे भी जल्दी उठने वाली है, तो फटाफट हम अगर काम कर लेंगे तो जाके उनको मिल लेंगे। आई गेस 10 मिनट की मीटिंग है, क्योंकि कुछ खास हमें पूछना है नहीं। मोस्टली जो मुझे पूछना है वो ये है कि नेक्स्ट मीटिंग कब करनी है आपसे, तो मे बी 1 महीने बाद वो बुलाएं। और दूसरा क्या है कि जो टीटी का इंजेक्शन मुझे लेना था ना, वो टीटी का इंजेक्शन एक्चुअली कल मुझे नहीं मिला, कल ही मिलना था, पर उन्होंने ना वर्बली बोल दिया था कि टीटी का सेकेंड डोज लेना, लेकिन वो मुझे प्रिस्क्राइब करके नाम नहीं लिखा था उन्होंने। तो जब मैं गई बोलने के लिए कि मुझे इंजेक्शन चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब ही नहीं किया। तो मैंने कहा सेकेंड डोज है, दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं होता है, डोज का जो नाम है मेडिसिन का वो लिखा होना चाहिए, तो आप लिखवा के आइए, उसके बाद हम लोग देंगे। तो कल तक को पता ही है कितना भागा दौड़ी था, ऐसे में फिर से डॉक्टर से मिलना और नाम लिखवाना पॉसिबल नहीं था, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता। तो आज उनसे नाम लिखवा के इंजेक्शन टीटी का आज लेंगे, तो एक वो करना है और बस बाकी नॉर्मली पूछना है, दिखा के रिपोर्ट्स वगैरह, कुछ खास है नहीं। तो 10 मिनट का काम है इसलिए करके आ जाते हैं। और कल छुट्टी है एक्चुअली, इलेक्शन है बैंगलोर में, तो पहले हम लोग सोचे थे कि वेंसडे को ही जाएंगे। तो अंगद को क्या हुआ कि ऑफिस से फिर ऐसे हड़बड़ में निकलना नहीं पड़ेगा, आराम से वेंसडे को शाम को जाएंगे, पर डॉक्टर ही छुट्टी पे है वेंसडे को, तो हम आज जा रहे हैं इसीलिए। तो ठीक है, देखते हैं, मिल के आते हैं। मिनट लगा होगा और हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, और यहीं पे आने के लिए कल सुबह कितना टाइम लगा था ट्रैफिक की वजह से। अभी देखिए बहुत ही कम ट्रैफिक है, मेन रोड पे थोड़ा है, बीच में तो था ही नहीं, कल पूरा दिन ही वैसा गया नहीं, सुबह से लेट 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 ऐसा मुहूर्त में ही निकले थे। कल का दिन मतलब अभी तक थकान, और मुझे छोड़िए अंगद भी कल रात को कह रहा है ऐसा लग रहा है ना कि फुल डे पिकनिक करके नहीं कहीं से आता है इंसान, नंदी हिल वगैरह से थकावट होती है। कल अंगद कह रहा है कि वैसी थकावट लग रही है, ड्रेन फील हो रहा है। मैंने कहा सोचो मेरा क्या हाल हो रहा होगा, पर कल हो गया, मेंटल फिजिकल बहुत थकान हो गई, तो आज भी उसका थोड़ा बहुत तो असर है, इसलिए मैंने सुबह से व्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया, बस एडिटिंग किया जो कल शूट किया उसको। तो बस पहुंच गए हैं, चलिए आज भी एक इंजेक्शन पड़ना। मुझे एक कमेंट आया था पिछला बार जब मैं दिखाई थी ना हॉस्पिटल विजिट की, इंजेक्शन पड़ा था उस टाइम पे मुझे इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन पड़ा था, तो मुझे कमेंट आया था कि इंजेक्शन बहुत पड़ते हैं क्या प्रेगनेंसी में, मुझे डर लगता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ये सब छोड़ दीजिए, ये इंजेक्शन का डर तो मन से ही निकाल दीजिए। कुछ ना कुछ ब्लड टेस्ट, कुछ ना कुछ इंजेक्शन, और बाद में आगे जाके मेन डिलीवरी होनी है, तो एकदम मन को कड़ा कर लीजिए। मेरे केस में लकीली मुझे नहीं डर लगता इंजेक्शन वगैरह से, तो कोई दिक्कत नहीं आई है। और ट्रिगर शॉट के लिए भी मुझे क्वेश्चन आता है कि वो कहाँ पड़ता है, वो पेट में पड़ता है। जी हाँ, तो पेट के लिए भी बहुत लोग डरते हैं कि पेट में पड़ता है तो कैसा लगता होगा, पेन होता है, डिपेंड करता है कि बंदा कितना एक्सपीरियंस्ड है। एक्सपीरियंस बंदा है तो नहीं पेन करेगा, वरना तो करेगा। जैसे कल मेरा 2 बार ब्लड टेस्ट हुआ, तो एक बंदे ने किया था बहुत अच्छे से किया था, फिर एक और बंदे ने किया तो उसने पेन करवा दिया, पर मुझे डर नहीं लगता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमको लगता है डर इंजेक्शन से? नहीं, मैं देख नहीं सकता बट डर नहीं लगता। डर नहीं लगता तो ब्लड देखने में प्रॉब्लम है। हाँ, वो देख के तो थोड़ा लगता है। न्यूज़पेपर मिल गया। टीटी का इंजेक्शन आज पढ़ने जा रहा है मुझे, ये वाला, इसी का नाम उस दिन नहीं मिला था ना। चलो तुमको भी कोई इंजेक्शन दिलवा दूं? नहीं।
चलिए हो गया, इंजेक्शन भी पड़ गया मुझे आज, एकदम जोर से पड़ा। मैं बोल रही थी ना आते वक्त मुझे डर नहीं लगता है, तो आने बोला रुको भी बताता हूँ। ऐसे आई वो है बड़ में थी एक्चुअली नर्स, जोर से देखो इंजेक्शन क्या चीज होता है। नहीं ठीक है, देखिए मैं हंस रही हूँ। चलिए निकलते, हो गया, निकल गए वहाँ से। और मुझे बस डाइट के लिए बोला है कि प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना है, उसमें अंडा जो है वो रोज दो कर देना है एक के बदले, तो येलो वाला पार्ट निकाल के दो व्हाइट वाला खा सकते हैं। पनीर ज्यादा खाना है और दाल वगैरह ज्यादा खाना है। कहाँ जाए भैया, हम भी तो फंसे पड़े हैं, पूरा जाम लग गया, हम मुड़ के चले जाए वो हमें हॉर्न मार रहे हैं। तो हाँ, तो उन्होंने कहा है कि नाउ जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन डाइट डाइट डाइट, तो प्रोटीन ज्यादा लेना है। जो पी रहे हैं प्रोटीन वो तो पीना ही है, उसके अलावा भी खाना पीना है उसमें, तो ठीक है वो तो करेंगे। मूंग दाल सबसे अच्छा सोर्स है नहीं दाल में प्रोटीन का? मूंग दाल बेस्ट है, दाल का पानी भी पियो वो भी अच्छा है, और एग्स तो है ही। तो दो महीने के बाद ना ग्रोथ स्कैन है, उस दो महीने में इतना अच्छे से खाना पीना है कि ग्रोथ स्कैन में सब कुछ एकदम बढ़िया आए, एकदम अच्छा है, तो वो ट्राई करना है। ठीक है वो तो कर लेंगे, बस हो गया इतना ही था, कुछ काम था नहीं। इंजेक्शन दिया, डीटी का अपना काम हो गया, कुछ भी नहीं है। और एक आध दवाई उन्होंने कम कर दी और एक दवाई उन्होंने रिप्लेस कर दी, वो थोड़ा बहुत था। अब मिलना है मुझे सीधा एक महीने के बाद, नेक्स्ट 9 तारीख को। ठीक है, न्यूट्रिशनिस्ट से मिलना है वो बीच में। हाँ, तो उन्होंने कहा है कि डाइट का ना कंसल्टेशन ले लो, हम फ्री सेशन है एक्चुअली, हमने पैकेज लिया था ना स्टार्टिंग में, उसमें फ्री सेशन है। पर उन्होंने ये भी बोला मुस्कुरा के, और उनका उतना 100% सुनना नहीं, पर जितना भी है थोड़ा बहुत सीख लेगा, वो बहुत स्ट्रिक्ट बताएंगे, उतना तो फॉलो नहीं होगा, मोटा मोटी फॉलो कर लो, पॉसिबल ही नहीं। तो आज वो डॉक्टर थी नहीं, वरना हम आज ही ये काम भी निपटा लेते। अंगद तो पूरा मूड में था कि हर काम निपटा दूंगा, फिर नहीं आऊंगा, कौन इतना आएगा, लेकिन वो छुट्टी पे, तो उसके लिए हमने उनके लिए ले लिया है आफ्टर 2 वीक्स का अपॉइंटमेंट, तो वो आके एक बार सेशन देख लेंगे। और वो भी वाला है ना लमाज, ओ नहीं वो तो 38 वीक के बाद है, तो उसमें टाइम है। थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा हो गया क्योंकि ना ये अभी ऑफिस टाइमिंग हो गया है, 6:30 बज रहे हैं ना, यहाँ से लेके वहां तक जाम ही जाम, जाम ही जाम। थोड़ी देर में दोपहर हो जाएगी, 11:30 बज रहे हैं, हमारा लंच बन गया है। आज बनवाया है मैंने आलू चना की सब्जी, क्योंकि प्रोटीन जो है खाने में बढ़ाना है, अब प्रोटीन पे ज्यादा फोकस करना है। वैसे भी खाती ही थी, पर अब थोड़ा ज्यादा ध्यान से खाऊंगी, तो उसी चक्कर में मैंने अपने डाइट में ऐड कर लिया ये 13 बिस्किट। पता ही होगा आप सबको, प्रोटीन के लिए बड़ा अच्छा सोर्स है। और बचपन में देखा करती थी कि मेरे पेरेंट्स ये खाते थे और ये मुझे बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगता था। एक तो पता चल गया था हेल्दी है, तो बच्चों को तो हेल्दी चीजें वैसे अच्छी नहीं लगती है, और मुझे इसका टेस्ट भी नहीं अच्छा लगता था। पर अब सोच रही हूँ कि खाया जाए, तो मैंने स्टार्ट कर दिया है खाना। तो दिन में वही 2 बार सुबह 2 बार शाम करके खा लूंगी, तो उतना काफी रहेगा, क्योंकि बाकी मैं अंडा भी खा रही हूँ, पनीर भी खा रही हूँ, दाल भी खा रही हूँ, तो उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं खा रही हूँ तो अंगद भी खा लेगा, अच्छी चीज है तो वो भी खा लिया करे। पर मैं सरप्राइज हूँ देख के कि इतने साल बीत गए, ना ये इसका पैकेजिंग चेंज हुआ, ना इसका टेस्ट चेंज हुआ, ना इस बिस्किट का साइज चेंज हुआ, मतलब इस ब्रांड ने कुछ भी चेंज नहीं किया। वैसे ही दिखता है ये, छोटू छोटू सा गोल गोल सा है ना, ये ऐसा दिखता है, और सेम टू सेम है। और अब इतने सालों बाद खाया ना, तो स्वाद भी अच्छा ही लगा, मतलब खराब नहीं लगा। पता नहीं बचपन में क्यों खराब लगता था। तो ये एक ऐड कर लिया है। Thank you.
ड्रेस मंगवाया था मिंत्रा से, ये वाला, तो जो भी मैं ऐसे वाले ड्रेस पहन रही हूँ ना, जो आप देख रहे हो बाहर जा रही हूँ तो पहन रही हूँ, वो सारे मैंने मिंत्रा से मंगवा लिए हैं। और जो भी आप मुझे घर में कुर्ती वगैरह देखते हो वो सारे मैंने मीशो से मंगवाए हैं। तो कुर्ती के लिए मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, लिंक शेयर करिए, तो एक एक को लिंक शेयर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं बहुत जल्दी क्या करूंगी, एक मीशो कुर्ती हॉल कर लूंगी। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने खुद के लिए खरीदा है और आप लोग को अच्छा लग रहा है तो मैं आपसे शेयर कर लूंगी, तो बहुत जल्दी वो वीडियो बना लूंगी। और मोस्टली आप देख रहे हो कि मैं स्लीवलेस पहन रही हूँ, जबकि पहले आप देखोगे तो मैं फुल स्लीव ज्यादा पहनती थी, मतलब 3/4 वाला, पर गर्मी बहुत लगती है ना तो सारे ही मैंने स्लीवलेस लिए। तो अगर आपको स्लीवलेस कुर्तियां ऐसे खरीदनी है जो कि 300 के अंडर में आ जाए, मतलब मैक्सिमम जो मैंने शॉप किया है ना सारे 300 से तो अंदर में ही है, मतलब कुछ तो 150 के भी हैं, 200 के भी हैं, क्योंकि मुझे घर में पहनना है, क्या करूंगी इतना ज्यादा महंगा लेकर के, और अभी फिट आ रहे हैं उसके बाद में नेक्स्ट ईयर तक फिट नहीं आएंगे तो क्यों करने का वैसा, तो इसलिए मैं वो वाला हॉल वीडियो लाऊंगी। एनीवेज ये वाला जो मैंने कुर्ती लिया ना, इसमें कुर्ती नहीं सॉरी ड्रेस लिया ना, है तो बड़ा अच्छा, पर थोड़ा सा ना फिटिंग का इसमें इश्यू आ रहा है। जनरली क्या होता है ना, ऐसे जो भी होते हैं ना उसमें आप देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ रहता है जिससे कि आप साइज को फिक्स कर सको। जैसे कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं दिखाती हूँ, हाँ ये वाला अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन लोगों ने ऐसा दिया हुआ रहता है ना जिससे कि आप साइज को अपने हिसाब से टाइट कर सकते हो, लूज कर सकते हो, तो ऐसे वाले अच्छे होते हैं, ये आपको फिट आ जाएंगे, मतलब ठीक ठाक आ जाएंगे। लेकिन ये जो मैंने मंगवाया, अभी प्राइस बहुत ही रिजनेबल था तो मैंने रिटर्न नहीं किया कि छोड़ो अच्छा तो लग ही रहा है, सस्ता भी है तो क्यों करे, इसमें इन लोगों ने वैसा दिया नहीं है। तो क्या हो रहा है ना, मुझे यहां से काफी ज्यादा लूज हो रहा है, ये सब पोर्शन लूज हो रहा है, तो था अच्छा खासा प्राइस में मिला था मुझे सस्ता वाला, तो मैंने कहा रिटर्न नहीं करते हैं इसको ना, जाकर के टेलर को देके थोड़ा सा इसमें ऑल्टरेशन करवा देंगे, तो वो मुझे आज देना है। और देखिए मैंने यहाँ पे क्लिप लगा के रखा है कि मुझे इतना जो है वो दबवाना है, या तो वो कट कर दे तो भी कोई इशू नहीं है, दबा सके तो दबा ले, तो क्लिप लगा के मैंने यहाँ पे मेजरमेंट ले लिया है। ब्रांड का नाम है ड्रेस बेरी, बहुत ही अच्छे सस्ते कपड़े मिल जाएंगे आपको ड्रेस बेरी ब्रांड के मिंत्रा में। अच्छा, और ये नहीं है कि मैं सारे मीशो से मंगाती हूँ तो हर बार अच्छे ही आते हैं। अभी देखिए एक इसके साथ में प्रॉब्लम हो गया, एक मैंने कुर्ती मंगाई थी, कुर्ती एंड पजामा का सेट था, तो कुर्ती उन लोगों ने भेजा नहीं, पजामा भेज दिया, तो एक बार मुझे लगा चलो ठीक है मिस्टेक हो गई होगी तो मैंने एक्सचेंज में डाल दिया। दूसरी बार उन लोगों ने डिलीवर किया है, फिर से सिर्फ पजामा आया है, कुर्ती नहीं आई है। और अब जब मैंने इसका डाला है रिटर्न रिक्वेस्ट डाल दिया मैंने कि अब एक्सचेंज नहीं करना है, तो बंदा आ ही नहीं रहा, मतलब अपने आप उसने रिटर्न रिक्वेस्ट ले लिया, उसके बाद में मुझे फोन करता है कि मैं आता हूं शाम तक, मैंने कहा आओ, और शाम को मैसेज आता है कि हमारा रिटर्न जो है कैंसिल हो गया। फिर नेक्स्ट डे मैंने रिटर्न रिक्वेस्ट डाला, फिर उसने कैंसिल कर दिया, तो पता नहीं क्या हो रहा है, दो दिनों से ये रिटर्न हो नहीं पा रहा है। पर हाँ ये है कि एक बहुत रेयर ऐसा होता है कि कुछ गड़बड़ हुई है, एक बार मेरे साथ और हुआ है, मैंने वॉशिंग मशीन के लिए मंगाया था कपड़े धोने के लिए, वो जो आता है नेट का जिसमें आप सॉक्स वगैरह डाल सकते हो, तो उसके बदले उन्होंने कुछ और ही भेज दिया था। तो एक आध बार ऐसा हो जाता है, पर मैं इतना सारा शॉपिंग करती हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस अदरवाइज बड़ा अच्छा है, पर कॉल सेंटर है, अब मैं इसका कंप्लेन रजिस्टर करूंगी। हफ्ते के लिए ना हाउस हेल्पर जो है वो छुट्टी पे गई हुई है, घर पे गई हुई है एक्चुअली, जो झाड़ू पोछा करती हैं। जैसे वो गई हैं उसके नेक्स्ट डे मैं देख रही हूँ कि बालकनी में ये कबूतरों ने कर दिया। अब ये कैसे किया ये टैलेंट मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हर तरफ देखो आप नेट लगा हुआ है, तो नेट से कैसे अंदर इन लोगों ने पॉटी किया या क्या किया पता नहीं, ऐसा ब्लैक ब्लैक है अजीब सा, तो मैंने भी क्लीन नहीं किया, तो जैसे वो छुट्टी पे गई ये हो गया। अरे वाह, थोड़ी थोड़ी धूप आने लगी, अभी हल्का सा क्लाउडी सा था, वैसे आज गर्मी बहुत है पता है, ये मौसम पे मत जाइए, गर्मी अच्छी खासी है, तो अब वो आएगी तो ही ये क्लीन होगा, पता नहीं क्या है। Thank you.
मैंने कान का पहना हुआ है ना ये वाला, सोचा कि इसको क्लीन कर लेते हैं, बहुत दिनों से क्लीन नहीं किया। और ये है मेरा मंगलसूत्र जो कि बहुत ही कम मैं पहनती हूँ, तो सोच रही हूँ कि इसको भी क्लीन कर लेते हैं लगे हाथों, तो दोनों ही क्लीन हो जाएगा। ये भी मुझे बहुत ही सुंदर लगता है डिजाइन और बहुत ही स्लीक भी है। पानी में डाल दिया लिक्विड और एक ये ब्रश मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ, ज्वेलरी क्लीन करने के लिए काफी काम में आता है। इसको ना आप टूथपेस्ट से भी क्लीन कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा क्लीन होता है कोई भी ज्वेलरी। पता नहीं आप लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, पर ये पूरे दिन ना, जैसा अभी आपको क्रिकेट की आवाज आती है ना शाम को, जब से बारिश हुई है ना यहाँ पे, पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक कुछ कीड़े हैं, क्रिकेट है, क्या है पता नहीं, वो ऐसी आवाज करते रहते हैं जो आपको हल्का हल्का बैकग्राउंड पे आएगा, वैसे क्या ही आएगा इतना नॉइज में। चलिए इसको बंद कर देते हैं क्योंकि ये वाला ही टाइम है मच्छर के घर घुसने का। अभी अगर आधा घंटा बंद कर दिया जाए ना, तो उसके बाद खोला जाए तो मच्छर नहीं आएगा, पर अभी परफेक्ट टाइम है कि मच्छर आपके घर घुस जाए। अंगद तो चला गया मीटिंग पे, 6:30 से 9:30 बैक टू बैक मीटिंग है, पर मैं अपना रूटीन फॉलो करने के लिए जा रही हूँ जो मैं रोज शाम को करती हूँ। एक दिन वीडियो में शेयर करूंगी आपके साथ में कि मैंने क्या रूटीन बनाया है शाम को अपने लिए, जो मेरे लिए, मेरी बेबी के लिए, इस प्रेगनेंसी के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज है जो बहुत सिंपल है, सब लोग फॉलो कर सकते हैं, वो भी फॉलो कर सकते हैं जो बेड रेस्ट पे हैं। और उसके बाद मैं थोड़ा वॉक करूंगी, म्यूजिक सुनती हूँ, कुछ मंत्रा सुनती हूँ, वॉक में और अंगद साथ में करते हैं एक्चुअली, पर आज तो मैं अकेली कर लूंगी। तो ये मैंने एक शाम का रूटीन बना लिया जो बहुत ज्यादा जरूरी है और आपके माइंड को बहुत ही पीसफुल बनाता है, क्योंकि इस टाइम पे ना बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती हैं, उसको कंट्रोल करना आपको आना चाहिए। मुझे ऐसे बहुत सारे मेल्स और क्वेश्चन आते हैं कि प्रेगनेंसी की में बहुत टेंशन हो रही है, कैसे दिमाग को शांत किया जाए, तो उसके टेक्निक्स होते हैं जो आपको सीखना पड़ता है। और अपने दिमाग को काबू में रखना एक्चुअली एक आर्ट है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको आएगा, वरना दिमाग भटकता रहेगा, नेगेटिव बातें सोचता रहेगा, और इन सब का असर पड़ने वाला है आपके बच्चे पे, जो मैंने आपको गर्भ संस्कार वाले वीडियो में भी बताया है। तो मैं आपसे शेयर करूंगी पूरा, हर चीज मैं आपसे शेयर करती हूँ, जो मैं कर रही हूँ, जो मैं सीखती हूँ, सब आपको मैं बताती ही बताती हूँ। तो मैं चली अपना वो रूटीन फॉलो करने के लिए, उसके बाद आऊंगी, तो बस मुझे बनानी है चपाती, सब्जी रेडी है, तो मैं और अंगद मिलकर खाना बना लेंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का ये व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है तो फटाफट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। मिलती हूँ अगली बार, बाय बाय।